गाइस, स्वागत है आपका नेहा स्वीट किचन में। हम आपके लिए लेके आए बहुत अच्छी रेसिपी। ये जोड़ों के दर्द, कमजोरी, खून की कमी सभी को दूर करेगा। ये हमने सिंघाड़ा लिया है एक केजी। हम आज बना रहे सिंघाड़े और सौंफ के लड्डू। ठंडे होते हैं और बारिश के टाइम पे बदलते मौसम में अक्सर हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम बना रहे ये लड्डू। ये बहुत ही हमें टेस्ट होते हैं, बहुत ही पौष्टिक होते हैं गाइस, बच्चों को जरूर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिंघाड़े दिए हैं, मैंने यहाँ पर सौंफ ली है और यहाँ पर मैंने लिया है 200 से 250 ग्राम मैंने लिए बादाम, 5 ग्राम मैंने लिए काजू। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हमारा जो आटा वो पीस कर तैयार हो गया है। हम चलिए इसको छान लेंगे। आप रेडीमेड आटा का यूज ना करें, आप इस तरह से सिंघाड़ा लेकर आए और उसका आटा बनाने मोटे पार्टिकल्स को अलग करते जाएं। ये देखिए गाइस, हमने सारे जो अपने सिंघाड़े को पीस कर तैयार कर लिया है, ये कुछ मोटे पार्टिकल्स बच गए हैं, इनको भी हम एक बार फिर से मिक्सी में चला लेंगे। जो हमारे मोटे पार्टिकल्स थे उनको भी हमने पीस लिया है। देखिए इस तरीके से हम इसे छान लेंगे। ये बाकी के जो बचे हैं उनको हम उसे फेंक देंगे। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने डाल दिया 100 ग्राम घी। घी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं हम। इसमें लगभग आधा किलो के करीब घी लग ही जाता है। चलिए मैं यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको थोड़ा सा रोस्ट करके लूंगी घी में, उससे जो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। घी को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। ये प्योर देसी घी है। हम पहले भून लेंगे अपने काजू को। घी में रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून चुके हैं। हम उसमें डाल देंगे अपने बादाम। देखिए हमारे काजू अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, हम इसको ठंडा होने देंगे। अपने बादाम को कर लेंगे तब तक रोस्ट। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना गाइस ऑप्शनल है, आप ऐसे भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन जब इसको थोड़ा सा रोस्ट करके हम डालेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। आजकल जो है बच्चों के मुंह पे टेस्ट लग गया है तो इस तरीके से ही वो खाना पसंद करते हैं, थोड़े रोस्टेड। इसलिए मैं इस तरह से रहा रही हूँ। गैस को कर दिया था हमने, गैस को हमने बंद कर दिया था। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए सिंघाड़े का। वो अच्छे से हम भून लेंगे, इसमें घी भी ऐड कर देंगे हम। और उस तरीके से थोड़ा थोड़ा घी मिलाते जाएं। और डाल दूंगी, लड्डू में जो है घी तो जाता ही है। कि हम और मिला देंगे इसके अंदर। ये देखिएगा इसके नीचे से हमारा जो आटा है भून चुका है। ये देखिए इसमें लगभग 400 ग्राम घी लगा है। आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डालना चाहे तो आधा किलो घी में बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लगभग 400 ग्राम घी डाला है। चलिए हम गैस को बंद कर दें, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे 5 मिनट। अब ऐसे नहीं छोड़िए वरना नीचे से जल सकता है। 2 मिनट के लिए चला लीजिए। चलिए गैस, ये देखिए हमने अच्छे से भून लिया है। हम इसमें डाल देंगे, हमने जो हमने सौंफ ली थी वो पीस ली थी, वो भी हम मिक्स कर देंगे। और
आपका बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे अपने जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, मैंने उनको थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है, आप चाहे तो फाइन पाउडर बना लीजिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने आप इसको और टेस्टी बनाने के लिए आप भी इसमें आटे को और गेहूं के आटे को भी भून कर डाल सकते हैं, और आप इसमें गोंद का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम गर्मी है तो आप गोंद का यूज़ ना करें, आप इस तरीके से ही बनाएं। इस तरीके से भी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है गैस। और अब हम डाल देंगे अपना मीठा, मैंने यहाँ पर ली है खांड, आप चीनी भी पीस कर डाल सकते हैं, एक हल्दी ऑप्शनल है। जो हमारी खांड है वो हल्की सी इसमें मेल्ट हो जाएगी और उससे हमारे जो लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, अब इसी में इसको लड्डू बांधना शुरू कर देते हैं, वरना उसके बाद ये ठंडा होने के बाद लड्डू नहीं बनेंगे। हल्का सा गर्म मतलब हाथ आप छू सके इतना गर्म होना चाहिए। अब इसके लड्डू बांधना शुरू करिए, ये देखिए थोड़े छोटे या बड़े अपने अकॉर्डिंग बांध सकते हैं इसका, मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हैं, आप इंजॉय करें लड्डू उसको। कैसी भी कमजोरी हो, थकान हो, थोड़ा सा काम करते ही थक जाए, तो आप इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा। देखिए गाइस कितना माउथ मेल्टिंग लड्डू बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है लड्डू। बूढ़े जो जिनका दांत नहीं है वो भी आराम से इस लड्डू का एंजॉय कर सकते हैं। वीडियोस को कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।